Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 4 parts and wholes of your 5th maths book. Is chapter mein aap fraction ke bare mein study karenge. To fraction hota kya hai? A fraction is a part of a whole or any number of equal parts of an object or a number. Fraction jo hota hai wo ek part hota hai, ek hissa hota hai. Kisi pure number ka ya kisi object ke equal parts kare ho wo parts ya phir kisi number ke parts kiye gaye ho तो वो उसका फ्रैक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/2, ये आपका फ्रैक्शन कहलाता है. इसमें जो इस डिवाइड के ऊपर ये नंबर लिखा है 1 या इस नंबर की जगह कोई भी नंबर होते हैं वो न्यूमरेटर कहलाता है. और इस डिवाइड जो ये बार बना है इसके नीचे का जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है. या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n/d मीन्स ऊपर के जितने नंबर हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे न्यूमरेटर और जो नीचे के नंबर हैं वो डिनोमिनेटर. इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे. जैसे कि यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. इसमें से हमने जो एक पार्ट था उसको कलर कर दिया. तो इसमें इसका फ्रैक्शन कैसे बनेगा? ये जो आपको इमेज दी हुई है जिसमें से 4 पार्ट्स हैं और उसमें से एक पार्ट को हमने शेडेड कर दिया, तो इसका कैसे फ्रैक्शन बनेगा? जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो डिनोमिनेटर कहलाते हैं. तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4. 4 इसके टोटल पार्ट्स हो गए. और इसमें से जितने भी शेडेड होते हैं तो वो इसका न्यूमरेटर पार्ट कहलाता है. तो न्यूमरेटर क्या होगा? कितने शेडेड हैं? 1 शेडेड है, तो न्यूमरेटर की जगह आएगा 1. तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/4 मीन्स टोटल 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट शेडेड है. हम अब सीखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. कितने टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं? देयर आर 5 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस विच इज गिवन बिलो. पहले लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसके बारे में अब हम थोड़ा थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे. सबसे पहले आते हैं लाइक फ्रैक्शंस. जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हो 1/2, 4/2, 5/2, 7/2. फ्रैक्शंस के ऐसी सीरीज या ऐसे पेयर ऑफ फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं और न्यूमरेटर्स उनके चेंज होते हैं वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं. जैसे कि इनके डिनोमिनेटर सेम है सबके, 2, 2, 2, 2 है, और इनके न्यूमरेटर अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट आ जाता है अनलाइक फ्रैक्शंस. तो अनलाइक फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस के अपोजिट हो जाएंगे. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते. जैसे कि यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शंस दिए हुए हैं 7/5, 2/3, 5/4, 11/7. तो यहाँ सभी के डिनोमिनेटर्स चेंज हैं बिल्कुल, 5, 3, 4, 7 जैसे हो गए अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर उनके न्यूमरेटर से बड़ा होता है. जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हो 5/7, 11/15, 3/6. यहाँ पर डिनोमिनेटर्स बड़े हैं और उनके न्यूमरेटर्स छोटे हैं. जैसे 7 बड़ा है और 5 छोटा है, और 15 बड़ा है 11 छोटा है. तो इस तरीके से ये फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसके अपोजिट हो जाते हैं, जहाँ पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हो 11/5, 15/7, 4/2, 10/3. यहाँ पर सभी के जो न्यूमरेटर्स हैं वो बड़े हैं और डिनोमिनेटर्स जो हैं वो उनसे छोटे हैं. नेक्स्ट आ जाता है इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसके साथ. तो वो कॉम्बिनेशन आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है. जैसे यहाँ पर 2, 4/11. 2 एक होल नंबर है, ये इसके साथ में जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है. तो 2, 4/11. 9, 7/8. 5, 21/25. ये सभी मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं. सो स्टूडेंट्स, आप इन सभी डेफिनेशंस को अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे. सो जैसे आप यहाँ पर ये इमेज देख रहे हो, अगर हमें इस इमेज का फ्रैक्शन लिखना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम इसके टोटल पार्ट्स काउंट करेंगे कि इसके टोटल पार्ट्स कितने बने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. 8 इसके टोटल पार्ट हैं. तो यहाँ पर आप 8 लिखेंगे क्योंकि जो टोटल होते हैं वो डिनोमिनेटर होते हैं.
और ऊपर यहाँ न्यूमरेटर में क्या आएगा, जितने भी यहाँ पर इसके शेडेड पार्ट हैं, यहाँ आ गया 3, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 3/8। सेम आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको सिर्फ फ्रैक्शन दिया हो और उसका आपको डायग्राम बनाना हो। अगर यहाँ पर ये आपको 3/8 दिया होता और आपको बोला जाता इसका डायग्राम बनाइए, तो मीन्स आप कोई भी एक इमेज बनाते, उसके इक्वल 8 पार्ट करते और उसमें से 3 शेड कर देते, तो तब वो इस तरीके से होगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।